लो जी, नए साल की शुरुआत नए क्रिस्पी नाश्ते के साथ। सूजी और आलू का ऐसा चटपटा नाश्ता आज तक आपने नहीं देखा होगा। बहुत ही आसान तरीके से झटपट से बनाइए। 2-3 दिन के लिए इसे फ्रिज में आप स्टोर करके रखिए। बहुत ही आसान ये नाश्ता है, और बच्चों का टिफ़िन हो, बड़ों के लिए नाश्ता हो, तो झटपट से आप इसे दे सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने 1 चम्मच कढ़ाई में तेल डाला, 1/2 चम्मच जीरा, 2-3 हरी मिर्च। मिर्च कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पर शिमला मिर्च आधी काट कर डाली, और सारी चीज़ों को सौटे करेंगे, अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ 2 आलू डालेंगे, 1/2 यहाँ पर कद्दूकस की गाजर डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर 1/2 चम्मच हम चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल, इससे अच्छा टेस्ट और नाश्ते का कलर आता है, दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और धीमी आंच पर इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, इसका पानी जलने तक। और उसके बाद हम इसमें, अरे मैं तो रिक्वेस्ट करना भूल गई आप लोगों से, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पर हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, तो उसी कटोरी से हम 1.5 कप पानी डालेंगे, या कटोरी से, जिस कटोरी से या कप से आप सूजी लेंगे उसी कप या कटोरी से 1.5 कप पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा सा एक उबाल आने देंगे। हमें यहाँ पर आलू और गाजर को कद्दूकस किया है, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ बारीक वाली सूजी थी, आपके पास जो मोटी पतली हो उस हिसाब से इसमें ऐड करें। तो मोटी वाली हो तो थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा डालें, लगभग 2 कटोरी, और धीरे धीरे इसे मिला लें बिना गुठलियों के ही। इसमें धीरे धीरे आप मिलाएंगे तो ये देखेंगे कि ये गाढ़ा होता जाएगा और एक डो फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अच्छे से सूजी को मिलाना है इस सारी चीज़ों के साथ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सूखता जा रहा है हमारा ये सूजी का नाश्ता बनाने के लिए जो हमने डव तैयार किया है। इसे ढककर 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, सूजी अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद हमें इसे बहुत ठंडा नहीं करना है, इसे एक प्लेट में हमें निकालना है। तो यहाँ पर प्लेट, जिस प्लेट में निकालेंगे उस प्लेट को तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि हमारी सूजी इसमें चिपके नहीं और आसानी से हमारा डो जो है सूजी का तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने सूजी ले ली हुई है, ये बहुत ही अभी गर्म ही है, तो आराम से ध्यान से इस तरह से सूजी को मलना है, जैसे कि डो बन जाए आसानी से, सारी मसाले सूजी एकदम अच्छे से मिल जाए। और फिर उसके बाद इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। धनिया आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं मसालों के साथ, पर ये दिखने में ऐसे अच्छा लगेगा इसलिए हमने लास्ट में ऐड किया है। आपको कोई मसाला इसमें और ऐड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी मसाला एक्स्ट्रा नहीं डाला है, फिर भी ये नाश्ता काफ़ी अच्छा, टेस्टी और क्रिस्पी लगेगा, चटपटा। तो इस तरह से हमें डो को अच्छे से मल लेना है, गूंथ लेना है, और उसके बाद हमें इसे अच्छे से प्लेट में अब फैलाना है इस तरह से चारों तरफ। इसे बहुत ही मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए, देख रहे होंगे आप। तो इस तरह से मैंने फैलाया हुआ है जिससे कि हल्का ठंडा हो जाए। ये देखिए बहुत ही मोटी नहीं, बहुत पतली नहीं। पहले भी मैंने आपके साथ सूजी की रेसिपी शेयर की है, नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके एक्स्ट्रा भाग को कट कर लेंगे।
इस तरह से हमें जो स्ट्रॉ भाग है इस डो का इस तरह से निकाल लेना है, चौकोन शेप देना है। यहाँ तो मेरा प्रॉपर शेप भी नहीं आया क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्लेट की वजह से ऐसे हो गया है। तो इस तरह से हमें चौकोन शेप में कट कर लेना है। यहाँ पर आप कोई भी शेप दे सकते हैं, यहाँ मैं चौकोन शेप दे रही हैं। और उसके बाद हम रिक्टेंगल में इसे कट कर लेंगे सारे चौकोन को। तो इस तरह से सारे पीसेस को हमें कट कर लेना है। इससे अच्छा काफ़ी अलग से आता है, दिखने में लुकिंग अच्छी आती है। वैसे भी मैंने टिक्की का शेप और कटलेस का शेप बनाकर दिखाया है, तो आप वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हमें निकालना है, थोड़ा सा इसे हाथों से शेप दे देना है, एक्स्ट्रा भाग जो निकला रहेगा उसे इस तरह से शेप करके दे देना है। मैं एक और दिखा रही हूँ, ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी हल्का फुल्का शेप दे देंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पर चलेंगे प्रोसेस पे। यहाँ पर ये देखिए, इसी तरह से हमें सारा बनाकर इसका तैयार कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा भाग होगा, ये देखिए मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, जो एक्स्ट्रा इसमें डो निकला था उससे एक और शेप हम बनाएंगे। तो ये इसे एक बार फिर से गूंथ लेंगे, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद हमें इसमें से थोड़ी थोड़ी भाग को लेना है और एकदम बेलन आकार या रोल शेप दे देना है। इस तरह से बहुत आसानी से शेप आ जाता है। तो इस तरह से हमें शेप देना है और बीच में से देखिए इस तरह से कट कर लीजिए। बहुत ही दिखने में ये बच्चे जैसे अच्छा उनको दिखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो खाते भी आए हैं, जैसे हमारे कुरकुरे ये सब इसी तरह से शेप दिए रहते हैं और चटपटे रहते हैं, तो बच्चे मांग मांग के खाते। तो इस तरह से आप नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर मांग मांग के आपके नाश्ता खाएंगे। आप बनाते रहे थक जाएंगे पर आपके जो बच्चे हैं खाते हुए नहीं थकेंगे। और अच्छा सा गरम तेल कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना, तेल अच्छा गरम होना चाहिए। अगर धीमा रखेंगे तो ये तेल पी लेगा। तो इस तरह से एक तरफ हो जाए तब दूसरी तरफ हमें इसे पलटी करना है, और दूसरी तरफ भी वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही गैस की फ्लेम को धीमी करके 5 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है, उसके बाद निकाल लेना है। इसी तरह से हम दूसरी बैच जो इस तरह से बनाए थे रोल में उसे यहाँ पर ऐड करना है। सेम प्रोसेस होगा, गैस की फ्लेम को हाई रखना है, धीमी नहीं रखना है। जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को 2 मिनट के लिए धीमी करनी है और फिर इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आपसे पहले ही कहा कि बच्चे आपके मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए प्लेटिंग कर ली है यहाँ पर, ये देखिए दिखने में ही बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता लग रहा है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते